मामला श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील का है, जहां मुंडला रोड पर हीरो होंडा एजेंसी के पास तीन बाइक आमने सामने से भिड़ गई। बाइकों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि तीनों बाइकों पर बैठे 8 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोगों की अति गंभीर हालत में बड़ौदा स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। 5 लोगों को राजस्थान के 12 के लिए रेफर कर दिया गया, वहीं 2 लोगों को श्योपुर रेफर किया गया है, जिनके हाथ और पैर में हुए फ्रैक्चर के चलते कोटा रेफर किया जा रहा है। बता दें कि बड़ौदा में मुंडला रोड पर 3 बाइकों में आपस में भिड़ने से दिलीप पुत्र मलखान आदिवासी उम्र 25 वर्ष निवासी हनुमान खेड़ा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे बड़ौदा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बिना डॉक्टरी परीक्षण के वार्ड बॉय ने श्योपुर रेफर कर दिया। इतना ही नहीं, जब मृतक को 108 एम्बुलेंस चालक जिला चिकित्सालय श्योपुर लेकर पहुंचा, तो श्योपुर जिला चिकित्सालय में भी वार्ड बॉय ने मृतक को बिना परीक्षण किए ही पीएम हाउस में रखा, और जब ड्यूटी डॉक्टर को इस बात का पता लगा तो डॉक्टर ने मृतक का पीएम हाउस पहुंचकर निरीक्षण किया, वहीं ईसीजी भी करवाई। वहीं परिजनों का कहना है कि फोन आने पर एक्सीडेंट का हमें पता लगा तो हम बड़ौदा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, वहीं बताया जा रहा है कि 12 रेफर किए गए 5 घायलों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर आप हॉस्पिटल आए? ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे हीरो एजेंसी के पास बड़ौदा में जी। तो मोटरसाइकिल आपस में टकराई, 3 मोटरसाइकिलें, 2-3 गंभीर रूप से घायल हैं, 12 रेफर कर दिया है, और ये मृतक एक खत्म हो गया है। क्या नाम है? दिलीप सोनम मलखान आदिवासी ग्राम हनुमान खेड़ा थाना बड़ौदा, इसको जो यहाँ रेफर कर दिया, गड़बड़ी उसमें रखवा दी पीएम हाउस। तो 3 लोग बाहर रेफर कर दिए गए हैं जी, उनकी क्या स्थिति है? गंभीर हालत है उनकी, तीनों की गंभीर हालत है। और यहाँ पे कितने लोग एडमिट किए हैं? यहाँ पे एक ही किया है, एक आदमी एडमिट। हाँ, मृतक है उसी को रखवाया, उसी को रखवाया। एक है सीताराम नाम का, वो ठीक है, सीताराम आदिवासी वो भी। तो कुल कितने लोग थे ये एक्सीडेंट में? 4 लोग थे। आपस में मोटरसाइकिल से टकरा गए, आपस में मोटरसाइकिल खराब हो गया, बैलेंस खराब हो गया, तीनों मोटरसाइकिल एकदम टकराई, और टकराने से एक की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं, एक का इलाज जारी है अभी जी। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट ये? बड़ौदा हुआ था। कैसे हुआ एक्सीडेंट ये? बाइक से हुआ था। कितनी बाइकें भिड़ी थी आपस में? ये बच्चा आपका? बच्चा कितनी चोटें हैं इसको? पूरे पैर में फ्रैक्चर है। डॉक्टरों का क्या कहना है? क्या नाम है बच्चे का? पवन। पवन कौन से गांव का? बड़ौदा निवासी, बड़ौदा के ही है। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ध्वज पहन के गए थे। किधर से? आवदा की तरफ से। बड़ौदा जा रहे थे? बड़ौदा मोटरसाइकिल एजेंसी के सामने। हाँ, वहाँ 3 बाइक आपस में भिड़ गई। हाँ, उसमें इसका पैर फ्रैक्चर हो गया, इसका हुआ, और उसका 2 जगह से हो गया पैर फ्रैक्चर, उसकी ज़्यादा हालत खराब है। कितने लोगों के चोटें आई है उसमें? सर ये तो मेरे को पता नहीं, मैं तो नहीं घर पर था, मेरे को बुखार। आपको पुलिस ने फोन किया होगा? पुलिस ने क्या, हमारे बगल से ही हॉस्पिटल है। अच्छा, सर ने हंगाम में तो घर पर था, बुखार। मतलब पहले बड़ौदा हॉस्पिटल पहुंचे इनको लेके? हाँ। फिर बड़ौदा हॉस्पिटल में क्या कहा? बड़ौदा हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं बोलता, चला जा रही है, श्योपुर रेफर कर दिया। अब श्योपुर डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि बाहर ले जाओ? बाहर ले जाओ, फ्रैक्चर के पैर यहाँ नहीं जोड़ पाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। सूरज क्या मामला था? सर ये एक्सीडेंट हुआ था बड़ौदा भर्ती किए थोड़ी देर के लिए। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? बाइक से। कितनी बाइकें भिड़ी थी? 3 बाइकें भिड़ी थी। कितने लोग घायल हुए थे उसमें? घायल तो सर ऐसा तो मालूम नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है। फोन गया ना, उसके बाद में हम तो घर से आए। तो पहले बड़ौदा दिखाया था इसको? हाँ, पहले बड़ौदा दिखाया सर। फिर क्या कहा बड़ौदा से? बड़ौदा से रेफर कर दिया। बड़ौदा से श्योपुर रेफर कर दिया। श्योपुर रेफर कर दिया। क्या स्थिति है इसकी? क्या कहना डॉक्टरों का? अब डॉक्टर यो कह रहे हैं सर के कहीं वो बाहर ले जाओ, बाहर ले जाना पड़ेगा। हाँ। यानी स्थिति गंभीर है, गंभीर बता रहे हैं डॉक्टर। क्या नाम है इसका? बल्लू। बल्लू कौन से गाँव का है ये? रतोदन का। किस समाज से? आदिवासी। तो ये जितनी भी बाइक पे सवार थे सब आदिवासी थे क्या? वो तो मालूम नहीं सर, वो तो बता रहे कि बेरवा के थे। बेरवा भी थे। हाँ।